प्रीतम ब्रह्मचारिणी तृतीय चंद्र खंडे थी कुछ मांडे थी चतुर्थकम पंचम स्कंद माते थी षष्टम कात्यायनी सप्तम कालरात्रि थी महागौरी चाष्टम नवम सिद्धात्रि चा नव दुर्गा प्रकीर्तिता। नमस्कार, आज हम आपके साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो सब्सक्राइबर की तरफ से हमारे जो प्रिय सब्सक्राइबर हैं उनकी डिमांड पर है। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि लेकर एंटीना से यदि खुद को स्कैन करना हो तो कैसे करें। हम लोग व्यक्ति को सामने बैठा के उसकी स्कैनिंग करते हैं और उसकी फोटो पर स्कैनिंग करते हैं, किंतु यदि व्यक्ति स्वयं अपना स्कैन करना चाहे तो किस तरह से करेगा। तो ये आप जानते हैं मास है, मास के साथ हम केबल कनेक्ट कर देते हैं और ये जो मास है इसको आप अपनी जेब में डाल लीजिए। ये आपकी जेब में आपके साथ अटैच हो गया और इसके बाद ये लेकर एंटीना है। ये सभी जानते हैं कि लेकर एंटीना जो है क्वांटम रेजोनेंस एनालिटिकल सिस्टम बेस्ड डिवाइस, नैनो टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन उपकरण है और इसके नीचे स्कैनर है, ये हैंडल है, हैंडल को इसको फिक्स कर देते हैं ताकि मूव ना करे, हिले नहीं, और ये कर्सर है और ये आपका फ्रीक्वेंसी है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्केल में है। आप क्या स्कैन करना चाहते हैं उससे ये चीज स्कैन हो जाती है। उसके बाद जो ये केबल है आपकी, इस केबल को आप राइट साइड में जो होल है उसमें ये डाल देंगे, राइट साइड वाले होल में, तो ये आपका जो है ये रेडी हो जाता है लेकर एंटीना। अब इसको आप 3.3 फ्रीक्वेंसी पे इसको पहले न्यूट्रलाइज करेंगे बिफोर रीडिंग, तो ये आपका न्यूट्रलाइज हो गया। उसके बाद आप इसको 2.5 फ्रीक्वेंसी पे सेट करेंगे और इस फ्रीक्वेंसी पे सेट करने पे सबसे पहले आप चेक करेंगे यस, तो ये यस में जो है मेरी तरफ मूव कर रहा है तो ये इसकी भाषा हो गई यस। अब नो में इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, तो जब ये बिल्कुल स्टैंड हो जाता है और कोई मूवमेंट नहीं आती तो इसका मतलब नो है, और जब ये मूव करता है तो इसका मतलब यस। तो ये लैंग्वेज इसकी हमने सेट कर ली है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले अपना एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, हमारे जो 7 चक्राज है, जो हमारे 7 एनर्जी चैनल है, क्या वो प्रॉपर रेजोनेंस कर रहे हैं, क्या वो प्रॉपरली एक्टिवेटेड है, और यदि वहां पर रेजोनेंस नहीं आती है, अगर ये एंटीना स्टेबल हो जाता है तो इसका मतलब वहां कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है और उस ग्लैंड से रिलेटेड कोई दिक्कत आ सकती है भविष्य में, तो उस चीज को हम पहले से एडवांस में चेक कर सकते हैं। अब मैं चेक कर रहा हूं क्राउन चक्र, सहस्रार चक्र एक्टिवेटेड है, थर्ड आई आज्ञा चक्र एक्टिवेटेड है, विशुद्धि चक्र थ्रोट चक्र ये एक्टिवेटेड है, हार्ट चक्र अनाहत चक्र ये एक्टिवेटेड है, सोलर प्लेक्सस मणिपुर एक्टिवेटेड, सैक्रल स्वादिष्टार एक्टिवेटेड, रूट चक्र मूलाधार एक्टिवेटेड। तो हमने 7 चक्रास एक्टिवेटेड है। उसके बाद हम 6.6 फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। 6.6 फ्रीक्वेंसी का मतलब है हार्मफुल एनर्जी लेयर, कि आपकी ऑरा के अंदर किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी का लेयर तो नहीं है जिसकी वजह से भविष्य में कोई बीमारी आ जाए, तो वी आर गोइंग टू चेक हार्मफुल एनर्जी लेयर। तो देयर इज नो मूवमेंट, इट मीन्स देयर इज नो हार्मफुल एनर्जी लेयर, तो ये अच्छा इंडिकेशन माना जाता है। अगर इसमें मूवमेंट आती है तो उसका मतलब हार्मफुल एनर्जी लेयर एग्जिस्ट करती है, तो उसके लिए आपको ट्रीटमेंट करना होगा, उसका उपचार करना होगा। इसके बाद हम चेक करते हैं 8 फ्रीक्वेंसी पे, ये है आपका कैलोरिक एनर्जी लेवल, यानी आपके नाभि के नीचे से लेकर पैरों तक का जो भाग है, वो जो रीजन है आपका, उसमें क्या प्रॉपर एनर्जी आ रही है, इसको कहते हैं भूमंडलीय ऊर्जा। तो ये आपका जो है कैलोरिक एनर्जी 8 फ्रीक्वेंसी से आप चेक कर सकते हैं। इसका मतलब जो नाभि से नीचे का जो हिस्सा है पैरों तक का, वहां की जो एनर्जी है बिल्कुल प्रॉपर है। उसके बाद 12 फ्रीक्वेंसी पे आप कॉस्मिक एनर्जी का लेयर चेक कर सकते हैं। कॉस्मिक एनर्जी विशुद्धि चक्र से लेके क्राउन चक्र तक का जो रीजन है, क्या ये आपका बिल्कुल ठीक है, क्या यहाँ पे ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में है, तो ये आपका जो है 12 फ्रीक्वेंसी इट्स ओके, ये ठीक बता रहा है। इसके बाद 15.3 फ्रीक्वेंसी, ये आपका ग्लोबल एनर्जी वाला रीजन है, आपका पूरा चेस्ट वाला रीजन है, पूरा ये रीजन है विशुद्धि चक्र से लेके और ये आपका मणिपुर चक्र तक जो है थ्रॉट चक्र से और नेवल चक्र तक का जो ये रीजन है, क्या इस रीजन में प्रॉपर एनर्जी है, तो ये
यस इंडिकेट कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा 17.6 हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिवाइनिटी क्या आपके उस सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिवाइनिटी? तो ये हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिवाइनिटी में यस इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डिवाइनिटी काफी मेडिटेशन, मंत्र जाप और एक विशिष्ट पूजा विधान अपनाने से आती है। और जो लोग भी हीलर है, पुरोहित है, रेकी ग्रैंड मास्टर है, और जो इस तरह की स्पिरिचुअल जिनका ट्रेड है, उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है 17.6, तभी वो अपना काम अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और इसके अलावा 3.3 फ्रीक्वेंसी से आप ब्लैक मैजिक, टोना टटका, तंत्र मंत्र को भी चेक कर सकते हैं कि आपके ऊपर कोई इस तरह का ब्लैक मैजिक का प्रयोग हुआ है यस एंड नो में। तो देयर इज नो मूवमेंट, इट मीन्स देयर इज नो ब्लैक मैजिक, कोई तंत्र मंत्र, जादू, टोना टटका का प्रभाव नहीं है आपके ऊपर। तो ये तरीका है लेकर एंटेना से खुद को स्कैन करने का। और जो लोग लेकर एंटेना इस्तेमाल कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स पे, उसको प्रयोग कर रहे हैं, वो स्वयं पर भी इस तरीके से अपने पूरी रीडिंग, पूरी स्कैनिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।